हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर रात को 12 बजे सरकार की तरफ से किसानों को चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी भेजने के बाद वहां क्या हुआ ये हाल जानते हैं। जैनेन्द्र, जब चिट्ठी पहुंची तो क्या हलचल हुई वहां पर और अभी क्या हालात हैं? 8 बजे की बैठक की तैयारी है? जी बिल्कुल विकास जी, 8 बजे की बैठक है किसान संगठनों की और उस बैठक में ही सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उस पर क्या आधिकारिक स्टैंड है वो साफ होगा। हालांकि जो संकेत है वो साफ है कि किसान संगठन बातचीत के लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार सरकार का जो प्रस्ताव है वो बिना शर्त है। पहली बार सरकार ने कहा था कि आप सारे जो आंदोलनकारी हैं वो बुराड़ी मैदान में इकट्ठे हो जाइए और इसके बाद विज्ञान भवन में बातचीत होगी। वो चिट्ठी गृह सचिव ने लिखी थी, लेकिन तब बुराड़ी मैदान वाला शर्त जो है वो खारिज कर दिया था किसानों ने। इस बार जो चिट्ठी आई है देर रात वो कृषि सचिव ने किसान संगठनों के नाम लिखी है। पंजाब के जैनेन्द्र, आप जानकारी भी देते रहिएगा और साथ में तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा, क्योंकि सुबह सुबह किस तरह का वहाँ माहौल है, क्या हालात वहाँ पर है, साथ में बताते भी रहिए कि इस वक्त वहाँ पर स्थिति क्या है बातचीत को लेकर। बिल्कुल जी कुमकुम, मैं पहले सवाल का जवाब दे लूं, इसके बाद मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। देर रात जो चिट्ठी आई है वो कृषि सचिव की चिट्ठी है, जिसमें कि 3 बजे विज्ञान भवन बुलाया गया है पंजाब के 32 किसान संगठनों को। देखना यह है कि क्या सरकार का ये प्रस्ताव जो है ये रंग लाता है। जो बातें आप बता रहे हैं विकास जी, ये जानकारी रात में आ चुकी है, कहा जा रहा है। अभी आप माहौल बताइए आसपास का, और अगर आपके साथ कुछ किसान है तो उनसे बातचीत करवा दीजिए हमारी। जी बिल्कुल, सुबह का वक्त है, सुबह गुरबानी, यहाँ पर गुरबानी का जाप चल रहा है और चाय आदि वितरित की जा रही है। सुबह लोग उठे हैं और फिलहाल कोई बहुत विशेष हलचल नहीं है। दिन चढ़ने के बाद जो है वो यहाँ पर हलचल शुरू होती है। हमारे साथ एक किसान है, ये बताइए कि आज उम्मीद करें कि आज बातचीत से रास्ता निकलेगा और ये जो दिल्ली को चारों तरफ से आप लोगों ने घेरा हुआ है उसमें थोड़ी राहत मिलेगी? मैं तो चाहता हूँ कि निकलेगा। हाँ, माननी चाहिए बात प्रधानमंत्री को, ये कानून अच्छे नहीं है, हमारी बात भी सुननी चाहिए है। जब भी बोलता अपने मन की बोलता है, हमारे मन की बात नहीं सुनता है। पहले हमारे मन की बात सुने फिर अपने मन की बात बताए। पहले दो दौर की बातचीत हो चुकी है जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, आज 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 फिर आज की बैठक को लेकर के क्या उम्मीद है? अभी पहले भी अफसोस प्रकट करते हैं, नहीं निकला, हूं भी उम्मीद करते हैं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए किसानों को उम्मीद है कि नतीजा निकलेगा। ये लोग भी घर बार से दूर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं ताकि जी बिल्कुल बातचीत होगी तभी बात बनेगी। अच्छी बात यह है कि वो गतिरोध खत्म होने की अब कम से कम एक सार्थक पहल तो हो रही है। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा जैनेन्द्र, 6 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन पर आखिरकार सरकार की तरफ से कृषि मंत्री सामने आए हैं।